अरे राम राम राम, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ये तो और भी बढ़ती ही जा रही है। 2 दिन हो गए बारिश होते, ऐसा ही होता रहेगा तो मेरी छत से पानी टपकने लगेगा। तभी बारिश से परेशान होके एक शेर वही गांव में आ जाता है और घूमते घूमते रामू के घर में पहुंच जाता है। और रामू के घर के पीछे रामू के कुछ बकरियां बंधी रहती हैं। वो शेर जाके उनके पास ही बैठ जाता है। अंधेरा ज्यादा होने के कारण शेर बकरियों को देख नहीं पाता और वहीं सो जाता है। यहाँ से तो किसी मनुष्य की खुशबू आ रही है, चलो यहीं बैठ जाता हूँ, जैसे ही वो बाहर निकलेगा उस पे झपट के खा जाऊंगा। अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, अब तो छत से भी पानी टपकने लगा है। जितना डर मुझे शेर भालू भूतों से नहीं लगता, उतना ज़्यादा तो ये टपका से लगता है। अब कैसे बचो इस टपके से? अरे कौन है ये टपका जिससे आदमी इतना ज़्यादा डर रहा है? शेर भालू से भी तो ज़्यादा ये टपके से डर रहा है। आखिर कौन है ये टपका? यहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ, कहीं टपके ने मुझे देख लिया तो फिर छोड़ेगा नहीं। हे भगवान, ये टपका से कैसे बचूं? चलो एक काम करता हूँ, मैं अपनी बहन के यहाँ चला जाता हूँ। इधर छुप के बैठा है ये गधे, चल उठ। जिसका डर था वही हुआ, आखिर टपका ने मुझे पकड़ ही लिया। फिर रामू शेर पर बैठकर निकल जाता है। ये टपका तो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब कैसे बचूं इस टपके से? हे भगवान, एक बार बचा ली इस टपके से, फिर किसी जानवर को नहीं खाऊंगा, मैं जंगल छोड़ के चला जाऊंगा। एक बार बचा ले, अरे बाप रे, एक बार बचा ले भगवान, मैं मांसाहारी से शाकाहारी बन जाऊंगा। हे भगवान। अरे बाप रे, देखो तो इस आदमी को, ये तो शेर पर बैठा है। अरे हाँ, ये तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे मुनिया देखो तो, ये तो शेर की सवारी कर रहा है, कितना बहादुर है ये आदमी। हाँ सही बोले, मेरी तो शेर को देखते ही धोती गीली और पीली हो जाती है। हा, कितने पागल हैं ये गांव वाले जो इस आलसी घोड़े को शेर कह रहे हैं। अरे ये तो सच में शेर है, ये घोड़ा शेर कैसे बन गया? अब क्या करूँ, कैसे बचूँ इस शेर से? ये तो मुझे खा जाएगा। हे भगवान, क्या करूँ? हाँ दूर एक बरगद का पेड़ दिख रहा है, एक काम करता हूँ, इस पेड़ पे जाकर छुप जाता हूँ। राम 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 राम, बचा ले भगवान, एक बार बचा ले इस शेर से, हे भगवान। अरे शेर भैया, तुम इतने डरे डरे क्यों भाग रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? आप तो जंगल के राजा हो, आपसे तो सब जानवर डरते हैं, पर आप क्यों डरे डरे भाग रहे हो? किसका डर है आपको? टपका, वो टपका मेरी जान के पीछे पड़ा है। अरे शेर भैया, जरा मुझे बताओ ये टपका है कौन? अरे भालू भैया, वो टपका उस बरगद के पेड़ पर बैठा है, कल रात भर वो मुझ पर बैठकर मुझे खूब भगाया है। वो तो भगवान का भला हो जो मैं बच गया, नहीं तो वो टपका मुझे मार ही डालता। शेर भैया, जरा मुझे इस टपके के पास ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं आखिर है क्या चीज ये टपका। अरे नहीं भालू भैया, मैं नहीं जाऊंगा उस टपके के पास, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाया हूँ। अच्छा शेर भैया, मैं जाता हूँ उस टपके के पास और उस टपके के बच्चे को सबक सिखाता हूँ। जाओ जाओ बच्चे, अब तुम्हारी पारी है, टपका तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अरे कहाँ छुपा है ये टपका का बच्चा, आज तो छोड़ूंगा नहीं इसे। अरे राम राम राम, क्या ये शेर कुछ कम था जो अब ये भालू आ गया? अब क्या करूँ, कैसी मुसीबत आ गई। भालू उल्टा होके पेड़ पर चढ़ने लगता है। भालू को अपनी तरफ आता देख रामू कांपने लगता है। कांपने के कारण उसके हाथ से नुकेली लकड़ी की छड़ी गिर जाती है
और भालू के पिछवाड़े पे जा लगती है। अरे बाप रे, ये टपका तो सच में खतरनाक है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, जल्दी भागो शेर भैया। लगता है ये शेर और भालू भाग गए। चलो जान बची, अब मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि रामू किसान बहुत बहादुर है और वो शेर की सवारी करता है। फिर यह बात राजा को पता चली। महाराज, पास के गांव में रामू के बहादुरी के बहुत चर्चे हो रहे हैं। सुना है वो शेर की सवारी करता है, क्यों ना ये काम रामू को ही दे दिया जाए। रामू को आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। आपने मुझे बुलाया महाराज, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, ये गांव वाले पास के गांव में ही रहते हैं और इनके गांव में एक पागल शेर घुस आया है जो इनके गाय भैंस बकरियों को एक एक कर खा जा रहा है। और सुनने में आया है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम शेर की सवारी करते हो, अब तुम ही उस शेर को काबू में करके गांव से दूर कहीं छोड़ आओ। अरे बाप रे, कैसी मुसीबत है, बड़े मुश्किल से तो उस शेर से अपनी जान बचा के आया हूँ, अब ये फिर से उसके पास जाने को कह रहा है, अब क्या करूँ। अरे क्या हुआ रामू, तुम मन ही मन क्या सोच रहे हो? महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि उस शेर को कैसे पकड़ूं। ये लो कुछ स्वर्ण मुद्राएं, ये तुम्हारे काम आएगा। मुद्राएं लेकर रामू सोचते सोचते चलने लगता है। आखिर कैसे पकड़ूं मैं इस शेर को, महाराज ने तो बड़ी दुविधा में डाल दिया। सोच कुछ रामू, सोच आइडिया। रामू बाजार जाके एक बकरी और लोहे का पिंजरा बना के जंगल की ओर जाता है और एक पेड़ के पास गड्ढा खोदने लगता है और बकरी को रस्सी से बांध कर उस गड्ढे में लटका देता है। जैसे ही बकरी को भूख लगती वो चिल्लाने लगती। और ये तो किसी जानवर की आवाज आ रही है, लगता है ये आवाज उस पेड़ के पास से आ रही है, चलो जाके देखता हूँ। शेर बकरी को देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगता है और बकरी को खाने के लिए शेर उस पे झपट जाता है। जैसे ही शेर बकरी पे झपटता है, रामू रस्सी से बकरी को ऊपर खींच लेता है और शेर नीचे गड्ढे में गिर जाता है। रामू गड्ढे के ऊपर पिंजरा डाल देता है और शेर को पिंजड़े में बंद कर देता है। शेर को पिंजड़े में बंद देख गांव वाले रामू की बहुत तारीफ करते हैं और शेर को पिंजड़े में बंद कर महाराज के पास ले जाया जाता है।